तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या करते हैं कि द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ सरफेस, ये जो अर्थ है इस अर्थ के सरफेस पे अगर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वेट कितना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वेट एम जी की जो वैल्यू है वो 80 न्यूटन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ, कितना ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, हाइट जो है वो 3200 किलोमीटर, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेडियस ऑफ द अर्थ का आधा है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू बदल चुकी है, जी डैश मास वही रहेगा, तो यहाँ पर वेट डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी के इक्वल हो गया। तो वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एट सरफेस, दैट इज 80 न्यूटन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एट हाइट जब आप ऊपर चले जाओगे तो ए हाइट एच इज इक्वल टू आर बाई टू, वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी डैश के इक्वल होगा इक्वेशन नंबर टू। तो जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो एच हाइट पर जी इज इक्वल टू आर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है, तो जी यहाँ से और आर और यहाँ आर और आर इज इक्वल टू एच बाई टू का स्क्वायर, तो यहाँ से जी और यहाँ टू आर अपॉन यहाँ से 3R का स्क्वायर यहाँ से कट गया, दैट इज 4/9 जी, दैट इज जी डैश। तो 4/9 जी डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो वेट नया वेट एम जी इज इक्वल टू बनेगा वो बनेगा 4/9 एम जी, और 4/9 एम जी की जो वैल्यू है वो है यहाँ 18, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 2, मतलब 8 न्यूटन इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है और 8 न्यूटन इसका फाइनल सोल्यूशन है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।